मोदी ने लक्षद्वीप की सुंदरता को लेकर ट्वीट किया और मालदीव के मंत्री आग बबूला हो गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित किया और उन्होंने मालदीव का नाम तक नहीं लिया। मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी को लेकर बयानबाजी की और सस्पेंड हुए। मालदीव सरकार में युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला उपमंत्री मरियम शोना के पीएम मोदी को इसराइल की कठपुतली बताया। अब अपमानजनक टिप्पणी करने पर अब इसराइल भी भड़क गया है। लक्षद्वीप को लेकर इसराइल का प्लान मालदीव के जले पर नमक का प्लान करेगा। अब इस पूरे विवाद में इसराइल भी खुलकर आ गया है। इसराइल ने ऐलान किया है कि वह लक्षद्वीप में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार है। इसराइल को समुद्री पानी को मीठे पानी में बदलने की महारत हासिल है। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में वह काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। गौरतलब है कि लक्षद्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और वहां पर मीठे पानी की बड़ी समस्या है। साथ ही इसराइल के दूतावास ने ट्वीट करके कहा कि हम केंद्र की मोदी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जा सके। आपको बताते हैं कि इसराइल के दूतावास ने एक्स पर लक्षद्वीप की सुंदर तस्वीरें पोस्ट करते हुए क्या लिखा है। जो लोग लक्षद्वीप के समुद्र के अंदर की सुंदरता से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए कुछ शानदार तस्वीरें पेश कर रहे हैं। वहीं इसराइली दूतावास के प्रवक्ता गायनीर ने ट्वीट करके कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं लक्षद्वीप में छुट्टियां बिता सकूं।